वैसे तो मौसम सर्द शुरू हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीति की बात करें तो काफ़ी जो पारा है वो चढ़ चुका है, क्योंकि DDC इलेक्शन का दौर चल रहा है और कुछ ही दिनों में जो अलग अलग पार्टियां हैं अपने अपने कैंडिडेटों की लिस्ट वो सबके सामने लाने वाली है और कैंडिडेट अनाउंस करने वाली है। तो वहीं आज ही सब पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस किसान सचिव भरत प्रिय जी हमारे साथ हैं। भरत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आप ने कीमती समय निकाला और हमें पब्लिक के सामने ला रहे हैं, तो बताइए। भरत, जिस तरह आप खोड कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं और अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है DDC इलेक्शन है, तो किस तरह का माहौल देखते हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है और हमारी पार्टी ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी से पहले भी सारे चैलेंजेस जो अंग्रेज हमें देते थे वो एक्सेप्ट करती आई, और जो जो अंग्रेज़ों की तरह BJP हमारे ऊपर जो फैसले थोप रही है हम उसको भी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम फील्ड के अंदर हैं और डट के इस फैसले का हम जवाब देंगे। काफ़ी समय से बात करें अगर 4G, काफ़ी दिक्कतों का सामना युवाओं को करना, आप खुद एक युवा हैं तो इसे किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये एक बहुत ही गलत हमारे जम्मू कश्मीर के साथ किया जा रहा है। एक तरफ तो भाजपा की सरकार और केंद्र की सरकार जो है वो हमें कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाना है और सब कुछ, आप ये वाली आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल बैंकिंग कीजिए और बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं कोरोना के दौरान। अब मुझे ये बताइए कि अगर सब कुछ ऑनलाइन है और जम्मू कश्मीर में 4G की कमी है, ये तो एक सबसे बड़ा जो पाप है ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया जा रहा है। मैं इस मुद्दे के ऊपर पहले भी बोला और आज भी ये बात मैं आज जनता के बीच में कहना चाहता हूँ और इस गूंगी बैरी सरकार के कानों में ये आवाज़ डालना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को 4G की सुविधाएँ दें, जल्द से जल्द दें, क्यों हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, जो आप हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा जो आपने गलत फैसला जो जम्मू कश्मीर में लिया है, इसका हमारे बच्चों की पढ़ाई को, हमारे हर एक तरीके के बिजनेस को हमें यहाँ पे नुकसान है जो हम भुगत रहे हैं। बात करें कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय किसान कांग्रेस किस तरह के, किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएगी और DDC इलेक्शन को पार्टिसिपेट करेगी, किस तरह के मैनिफेस्टो होगा आपका? देखिए, किसान कांग्रेस जो के जो मुद्दे हैं वो किसानों से रिलेटेड हैं और युवाओं से रिलेटेड हैं। देखिए, किसानों के ऊपर आए दिन ये एक नए से नए इन्होंने फैसले जो हैं ये थोप देते हैं, जिसका और घर बैठ के ये सारे फैसले करते हैं जिसमें किसी भी किसान की कोई राय नहीं ली जाती, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। किसानों की मन की बात तो आज तक इन्होंने पूछी नहीं कभी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे कहा, मैं खोड और छम्ब विधानसभा से रिलेटेड हूँ, मैं आपको ये बात कहूँ कि आज से यहीं पर एक बात आपसे क्लियर करना चाहेंगे, जैसे काफ़ी सारी चर्चाओं में है कि भरत प्रिय जी खोड़ के कैंडिडेट हैं, क्या ऐसा होने वाला है? ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन अगर जनता की सुने, जनता के मन में मैं हूँ, मैं एक ऐसा लीडर हूँ जिसने जनता का पता उस समय भी किया जब सब लोग अपने घर में बैठ के रेस्ट कर रहे थे और हमने अपने वहाँ के पूर्व विधायक कि कंसेंट से वहाँ पे हमने जाके लोगों के बीच में निकले और जहाँ जहाँ पे किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, किसी को भी हमारे छम्ब कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे को दिक्कत थी, हमने उनकी दिक्कतें दूर की। और कांग्रेस पार्टी का इकलौता में उस समय लीडर ऐसा था जिसने बॉर्डर पे चल रहे प्लां वाला अस्पताल का मुद्दा उठाया, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते थे, वहाँ पे डॉक्टर बिठाना शुरू किए, उस बिल्डिंग के टेंडर के लिए गवर्नमेंट से जिद्दोजहद की, खोड़ प्लां वाला जो रोड है आप, इसकी सबसे ज्यादा खस्ता हालत जो खोड़ से प्लां वाला रोड है वो है, तो खोड़ प्लां वाला रोड के ऊपर सबसे पहले किसान कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हमारे बाद लाइन लग गई लीडरों की, क्या पैंथर पार्टी, क्या हमारे यहाँ पे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, अखनूर वाले विधायक राजीव जी, मेरे 2-3 प्रोटेस्ट के बाद इन लोगों को जब पता लगा कि पब्लिक अब भारत प्रिय के काम देख के चुप नहीं रहने वाली, पब्लिक एक्सेप्टेंस कर रही थी, और मेरे को 2 या 3 बार मेरे को कम से कम BRO के चीफ इंजीनियर का फ़ोन आया, मैंने उनसे बात की, और खोड़ का टेंडर अगर आज की डेट में अगर कोई लीडर कहेगी ये हमारी वजह से हुआ, मैं उनको ये बात कह देना चाहता हूँ
खोड़ के जो रोड का टेंडर है या जिसके खड्डे भरे गए वो सिर्फ भारत पी और उसकी टीम की बदौलत हुए। और मैं इसका सारा श्रेय खोड़ की जनता को देता हूँ कि जब कभी भी मैंने जिस गांव में कदम रखा उस गांव की जनता ने मेरी बातें सुनी और पूरे समर्थन में आके उन्होंने मेरे साथ खड़े छाना बिछाना खड़े रहे और हम भी वहाँ की जनता के साथ हैं। बिल्कुल बराबरी जी, बात करें अगर आप शम कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं तो शम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अगर निकल रहे हो तो क्या क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच जाओगे, क्योंकि एक बॉर्डर का एरिया है, दूसरा वो दरिया है और काफ़ी बार बाढ़ग्रस्त रहता है और काफ़ी ज़मीनें लोगों की कट जाती हैं, तो क्या आपका मेन मोटिव रहेगा? देखिए, जब से छम्ब में कांग्रेस की सरकार गई है, हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मेहनत की, शायद ही उनके पहले किसी विधायक ने इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी होंगी। उन्होंने घर घर जाके लोगों के राशन कार्ड, बिजली के खंभे, तारें, रोड, आज तक हमारी पार्टी जितने रोड खोड़ ब्लॉक में कनेक्टिविटी बना चुकी है, आज तक किसी भी पार्टी ने अगर वो सिटिंग जो बीजेपी की सरकार है अगर उतनी उन लोगों के ऊपर उन रोडों के ऊपर अगर पैच भी लगवा देना, रिपेयर भी करा दे, तो हम कहेंगे बीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया। जो रोड हम छोड़ के गए थे वैसे के वैसे खड्डे वहाँ पड़े हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बॉर्डर के किसान का है। मैं आपको आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग करना चाहता हूँ, सबसे पहले तारबंदी में आई हुई ज़मीनों के मुआवजे जो पिछले 18 साल से पेंडिंग है, आज तक जिसके बारे में केंद्र सरकार ने सोचा नहीं है। दूसरा, बॉर्डर जो चिनाब दरिया हमें एक दर्द की तरह, एक कांटे की तरह हमें चुभता है और जिसने हमारी ज़मीनें किलोमीटर्स के हिसाब से बहा दी हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कश्मीरी पंडितों को जगती में एक टाउनशिप बना के दी है, उसी तरीके की एक टाउनशिप आप हमारे छम्ब कॉन्स्टिट्यूएंसी के या बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए उसी तरह की टाउनशिप बनाए जिसमें पर कुंभे के हिसाब से एक एक फ्लैट दिया जाए, पर राशन कार्ड के हिसाब से एक एक फ्लैट दिया जाए और उसी टाउनशिप के अंदर एक बढ़िया हॉस्पिटल हो, एक बढ़िया स्कूल हो, एक पशुओं के लिए एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल भी वहाँ पर हो और उसके साथ साथ हर तरीके की सुविधा जो सरकारी है, राशन डिपो की, पीएचई की, हर एक सुविधा उस टाउनशिप के अंदर दी जाए, क्योंकि किसान और बॉर्डर पे रहने वाला छम्ब का जो नागरिक है वो जब भी पाकिस्तान की फायरिंग से सताया जाए वो उस फ्लैट में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और ये हाल ना कि पलां वाला, खोड़, देरियाँ, मीपर, पंगाली, सैंथ, गरड़, बकोर, तोजक, इसके साथ वैसे ही पार वाले इलाके में भी यही प्रॉब्लम है। पार वाले इलाके की तो बात किस्मती है कि एक तरफ से उसको दरिया ने घेरा हुआ है, दूसरी साइड से तीन और पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी चाहता हूँ पलां वाला, खोड़ और प्रगवाल के लोगों को दी जाए जो हर सुविधा से वंचित हैं। सबसे पहले प्रगवाल को पूरे तरीके से एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया जाए, पूरे तरीके से एक्चुअल लाइन ऑफ डिक्लेयर किया जाए और जो इन्होंने एलसी का कोटा हमारे लोगों के लिए रखा है उसमें 2% और बढ़ोतरी की जाए। वही उसी पे बात करना चाहूंगा कि पहले जो एलसी का कोटा था वो ज्यादा था, उसे अब कम कर दिया गया, कम कर दिया। साथ ही साथ डोगरा सर्टिफिकेट की बात की जाए और उसके साथ साथ जो बॉर्डर के लिए स्पेशल एक भर्ती थी युवाओं के लिए वो भी बंद है। क्या अगर आप आगे विजय होते हैं तो क्या इन पे कुछ करोगे? देखिए, मेरी सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो नौजवान है छम्ब के, और उसके साथ जो दूसरी प्रायोरिटी है वहाँ के बुजुर्ग माता बहन हैं और किसान भाई हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी मैक्सिमम किसान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वो सबका सब 75% जो है बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है छम्ब। और सबकी ज़मीनों में जैसे गरड़ के लोग हैं, सैंथ के लोग हैं, मीपर के लोग हैं, देरिया के लोग हैं, पंगाली के लोग हैं, निकोवाल के लोग हैं, बलवाल मोलू के लोग हैं, फिर उसके बाद अपने गुड़ा मनासा के लोग हैं, बलवाल बर्थ के लोग हैं, चिब्बे चाक के लोग हैं, मेहनता के पट्टियों के लोग हैं, सजवाल के लोग हैं, नजवाल के लोग हैं। ये लोगों को, इनसे बॉर्डर कोई दूर नहीं, अगर पाकिस्तान हाथ से भी गोला फेंके तो इनके घर में गिरता है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पर कुंभे के हिसाब से एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। अगर कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे वहाँ पे एक टीम भेजे हमारे एरिए में, आप देखेंगे कि नौजवानों की जो शहीदों की जो समाधियाँ हैं, आप उनको देखिए कि कितनी तादाद में वो समाधियाँ बनी हुई हैं वीर जवानों की,
क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है जिसने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया, हमेशा देश की तरक्की में साथ दिया। और हमारे इलाका जो डोगरा सर्टिफिकेट बनता था उसका भी एक स्पेशल कोटा होना चाहिए, फिर से डोगरा सर्टिफिकेट बनना चाहिए और हमारे लोगों को एक स्पेशल स्टेटस बॉर्डर के लोगों, क्योंकि ये गोलाबारी से डरते नहीं। अगर हमारे युवा इकट्ठे हो जाएं खोड़ के, मैं आपको कहूँ खाली खोड़ के, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान ये तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर इनको कभी हमारी सरकार छूट दे दे तो मुझे पक्का यकीन है कि इमरान खान को कान से पकड़ के दिल्ली में बिठा दे, उठा के ले आ सकते हैं, इनमें इतना बल है हमारे छंब के नौजवानों में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए एक स्पेशल भर्ती जो है, एक उनको पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इनके लिए एक स्पेशल भर्ती दी जाए जिसके ऊपर मेंशन हो और कि ये लोग छंब इलाके गए हैं, डोगरा से बिलोंग करते हैं, इनके लिए पूरे हिंदुस्तान में कोटा तय किया जाना चाहिए। और अगर मुझे पार्टी ने, सीनियर लीडर्स ने मौका दिया तो इस चीज़ को मैं पूरा करके ही दम लूँगा। बिल्कुल बरे प्रिय जी, बात करें आपको तो आप एक किसान परिवार से आते हैं जी, तो आज एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, किस तरह का सफर था ये? देखिए मेरा सफर इस तरह से था कि जैसे आप समझो कि बढ़के हुए कोयले जैसे होते हैं ना सड़कों के ऊपर पड़े हुए, आग से बबूला। मैं जब छोटा था, एक साल की उम्र में ही मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे, तो बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन मैंने देखा। और मैं आपको सच कहूँ, एक वक्त ऐसा था कि मुझे खुद कई लोगों के पास ऐसे मुझे महसूस होता था कि मुझे किसी से मदद मांगनी है, लेकिन अपनी पार्टी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, आज मेरे पे ऐसा समय है कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूं। और मैं खास करके हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद जी, हमारे नेता मीर साहब, इन सबका और हमारे इलाके के जो पूर्व विधायक श्री ताराचंद जी का, उन सबका मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे एक इस तरीके का ग्रूमिंग की मेरी, इन लोगों ने, कि मुझे महसूस हुआ अपनी लाइफ में कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ। बहुत ही कठिनाइयों वाला सफ़र था और बिन माँ बाप के बच्चे के लिए ये आसान बात नहीं होती जिसके ऊपर कोई सहारा ना हो। तो मैं खास करके अपने नेता राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे किसानों की सेवा करने का राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया। बिल्कुल, बात करें कुछ समय पहले आपकी कुछ जो लेटर थे वो वायरल हुए, क्या लगता है कांग्रेस की अंतरकला है वो, या क्या क्या कह सकते हैं उसे? देखिए वो जो लेटर्स जो थे, आज तक मैं कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि वो लेटर किसने लिखे। जिसने लिखा उसने भी इनकार कर दिया कि मैंने नहीं लिखा, वो तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे किसी शरारती तत्व ने वायरल कर दिया। किसी को मेरे मन, मेरे काम से और जनता की आवाज़ सुनने वाला जब लीडर नहीं बर्दाश्त हुआ, तो कुछ शरारती तत्वों ने मतलब कि अपने ही घर में बैठ के उसको क्रिएट किया और क्रिएट करके डाल दिया। और इसमें किसी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अगर किसी सीनियर लीडर ने ऐसा काम, अगर मेरी बात अंतरकला से गुजर रही है क्या? नहीं, अगर किसी सीनियर लीडर ने ऐसा काम करना होता मेरे खिलाफ, उनके तो हजारों की तादाद में वर्कर थे, वो हजारों की तादाद में लेटरें छपवा सकते थे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करवा सकते थे। ये किसी शरारती तत्व का, जिसको मेरे से थोड़ी सी जेलस हुई, उसने पार्टी का नाम गलत इस्तेमाल करके लोगों के बीच में डाल दिया। बिल्कुल ब्रज जी, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए, क्योंकि अभी DDC चुनाव आ रहे हैं, तो किस सोच समझ के साथ लोग चुनाव करें? मेरा जो अपने मत का अधिकार करें, जो मत का अधिकार, मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एरिया में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आपका विकास जो करवाया है। जैसे कि कुछ उपलब्धियाँ मैं गिनना चाहता हूँ जनाब गुलाम नबी आज़ाद के, एज ए चीफ मिनिस्टर, जिस पार्क में बैठ के हमारा इंटरव्यू हो रहा है, ये भी महाराजा हरि सिंह पार्क इसका नाम है, जनाब गुलाम नबी आज़ाद की ये देन है। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे सुंदर माहौल बना है। फिर उसके बाद हमारा सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पे मेशपुरा में, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। निर्माण भवन गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। फिर आपने वो देखा होगा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो बिल्डिंग जो भगवती नगर में बनी है, आप इसको भी जरा ध्यान से देखिए, आप पढ़ पाएंगे, ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 3-tier system से इसका काम चलवाया था। वो भी जो काम है वो कांग्रेस सरकार की देन है। जो यहाँ पे फ्लाईओवर जो हमारे बने हैं, ये कांग्रेस के टाइम के बने हैं। आज जिसका रिबन वहाँ पे टनल का काटा गया है मोदी सरकार द्वारा, जो सबसे बड़ी टनल है, क्या नाम है उसका, अटल टनल जिसका नाम डाला है, उसका रिबन सोनिया गांधी जी ने काटा था।
तो उसके साथ हर हमारे को नए डिस्ट्रिक्ट दिए इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, फिर उसके साथ साथ नई तहसीलें दी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, नए सब डिवीज़न दिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। इन्होंने क्या दिया, जो भाजपा की सरकार ने किया वो आपको दिख रहा है। स्टेट से इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप ये सोचिए कि जो एक बंदा स्कूल में टीचर हो अचानक से उसको प्यून बना देना, यही काम इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के साथ किया है। बताइए जरा मुझे कौन सा मिलिटेंसी रुक गई है यूटी बनने के बाद। इनका सबसे बड़ी प्ली थी कि हम मिलिटेंसी पर कंट्रोल करेंगे। आए दिन बीजेपी के लीडरों को और कांग्रेस के कुछ वर्करों को जो मिलिटेंट वहाँ पर मार रहे हैं, पीछे कश्मीरी पंडित लीडर को मार दिया, तो कुछ भी मतलब उल्टा हमारे इन्होंने 4G बंद कर दी। कोई एक काम ये हमें बता दे यूनियन टेरिटरी में, जो इन्होंने कहा था कि नौकरियों का सैलाब आ जाएगा, सैलाब तो छोड़ो, जो पहले इन्होंने वो जो पहले नौकरियां लगी थी उन लोगों को ये निकालने के ऑर्डर निकाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये टेंशन में आके हर साल एक नया गवर्नर दे देते हैं हमें, कभी वो कोई फैसले करके जाता है, ये वाला नए फैसले करके जाता है। उसने BDC इलेक्शन की, अभी तक BDC वालों को कोई सैलरी मिल रही है, कोई डेवलपमेंट के काम में उनको पूछा जाता है, आप इन्होंने DDC इलेक्शन दे दी, अब DDC वालों को ये क्या दे देंगे। पहले कम से कम 4G तो चलाओ, जो बच्चों की बेसिक नीड है। कुछ काम भी इनसे ना हो पाया ना ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तजुर्बा नहीं जम्मू कश्मीर में कैसे काम किया जाए। यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे एक मजे हुए सियासतदान चाहिए जो काम करें, और हमारे जम्मू कश्मीर का चाहे कोई भी तबका हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक पॉपुलर फिगर हैं और जम्मू कश्मीर की जनता उनका वेलकम करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भरत प्रिय जी, राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के महासचिव, और इन्होंने बताया कि जिस तरह DDC चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है अगर इनकी पार्टी इनको मौका दे तो ये शंभ कांस्टिट्यूएंसी को इस तरह सुंदर बनाएंगे, शंभ कांस्टिट्यूएंसी के जो नौजवान हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट एनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।